प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में एक रैली को संबोधित करते हुए अपने पैराग्लाइडिंग के अनुभवों को लोगों के समक्ष साझा किया और इस दौरान रैली में वह व्यक्ति भी मौजूद था जिसने पीएम को पैराग्लाइडिंग कराना सिखाया था। अपने संबोधन में पीएम ने उन्हें पैराग्लाइडिंग सिखाने वाले रोशन ठाकुर का नाम लेते हुए उनको याद किया, जिसको सुनकर वह व्यक्ति काफी भावुक हो गया और रैली में ही रो पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमेशा से ही एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी आकर्षित करता रहा है और इसलिए वे हिमाचल भी जाते थे क्योंकि उन्हें एडवेंचर करना पसंद है। इसी के साथ उन्होंने एडवेंचर कराने वाले अपने गुरु रोशन का नाम भी साथ में ले लिया। एक अखबार के मुताबिक रैली के वक्त भीड़ में खड़े रोशन पीएम मोदी द्वारा दिए जा रहे संबोधन को सुन रहे हैं और संबोधन को सुनते हुए जब उन्होंने अपना नाम सुना तो वह काफ़ी भावुक हो गए। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात को याद करते हुए रोशन ने यह बात साझा की। उन्हें गर्व है कि आज भी प्रधानमंत्री को उनका नाम याद है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा अपना नाम लिया जाना सुना तब उनकी तरफ हाथ भी हिलाना चाहा लेकिन स्टेज काफ़ी दूर था। उनके पास अभी भी उनकी पैराग्लाइडिंग की तस्वीरें हैं। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।